फाइनेंसर कुछ समझ नहीं पाती कि वो किंग के इस सवाल का जवाब क्या दे तभी ही मियाँ आकर कहती है कि एक गुड हस्बैंड अपने पार्टनर के साथ अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर करता है किंग उसे पूछता है कि और कुछ तो मियाँ कहती है कि एक गुड हस्बैंड अपने पार्टनर की वो सारी ख्वाहिशें पूरी करता है जिससे उसे खुशी मिलती है एंड वो हमेशा उसे खुश रखने की ट्राई करता है अगर उसका पार्टनर किसी चिंता में होता है तो वो खुद चिंता में पड़ जाता है एंड उसकी केयर करने लगता है मियाँ आगे भी बहुत सारी चीजें इसके बारे में बताती है किंग कहता है कि मुझे ये जानकर अच्छा लगा फिर वो फाइनेंसर से कहता है कि मुझे अकेले जाना है तुम मेरे पीछे मत आना फिर वो अकेले आकर कहता है कि अब मुझे पता लग गया है कि मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही थी दूसरी तरफ लियाना पॉल के साथ जा रही थी पॉल उसे पूछता है कि वो जो नई लड़की आई है मियाँ उसके बारे में आपका क्या कहना है लियाना कहती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि किंग ने खुद उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन की है पॉल कहता है कि हमारे रिजेंट में लिखा गया है कि एक ब्लैक हेयर वाली लड़की आसमान से आएगी और उसके पास डिवाइन पावर होगी हमारे किंग को उस लड़की से प्यार हो जाएगा और वो दोनों खुशी खुशी रहेंगे उन दोनों के साथ आते ही हमारे राज्य में भी खुशहाली आएगी इस लेजेंड के बारे में तो हमारे राज्य के बच्चे बच्चे को पता है तो कहीं मिया वही लड़की तो नहीं है ना अगर मिया वही लड़की है तो मुझे चिंता हो रही है कि मियाँ कहीं किंग को आपके पास से चुरा ना ले लियाना कहती है कि पहली बात कि मैजिस्ट्री ने खुद मुझसे कहा था कि मैं उसे कोई प्यार वगैरह की उम्मीद ना रखूँ एंड दूसरी बात किंग की मर्जी की वो किससे प्यार करे और किससे ना प्यार करे ये उस पर डिपेंड करता है तभी ही किंग वहां पर आता है एंड लियाना का नाम जोर से चिल्लाता है लियाना कहती है कि अब क्या हुआ किंग उसके पास आकर कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है लियाना सोचती है कि ये अभी इस वक्त मेरे साथ कर क्या रहा है इसको तो हीरोइन यानी कि मिया के साथ होना चाहिए लियाना कहती है कि योर मैजेस्टी पोल हमें देख रहा है वो कहता है कि तो क्या हुआ तुम्हें इससे परेशानी हो रही है लियाना कहती है कि मुझे तो बस आपकी डिग्निटी की फिक्र हो रही है यह सुनकर किंग कहता है कि पॉल तुम यहाँ से जा सकते हो पॉल नहीं चाहता तो किंग कहता है कि पॉल मैंने कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो लियाना के साथ अभी मैं हूँ तो तुम्हें उसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है पॉल तो फिर भी नहीं चाहता तो फो कहता है कि मैं ये बात तीसरी बार कह रहा हूँ तुम यहाँ से जा सकते हो यह सुनकर पॉल वहाँ से चला जाता है पॉल के छाने के बाद किंग लियाना से कहता है कि मुझे तुम में इन्वेस्ट करना है लियाना कहती है कि माफ करना आप किस पॉलिसी की बात कर रहे हैं? तो किंग कहता है कि मैं स्टेट अफेयर्स पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि अगली बार हम दोनों जब मिले तब हम स्ट्रेंजर की तरह बिहेव न करें लियाना कहती है कि ठीक है पॉल गया था अपनी फेवरेट ब्रेड लेने के लिए बेकरी उस बेकरी की ओनर का नाम शिबा था शिबाऊ से कहती है कि तुम आज लेट हो पर फिर भी मैंने तुम्हारी फेवरेट ब्रेड को बचा कर रखा है जैसे ही पॉल उस ब्रेड को लेने के लिए चाहता है तो शिबाऊ से कहती है कि ऐसे नहीं मैं तुम्हें इस ब्रेड को दे दूँगी एक कंडीशन पर कि कल तुम्हें मेरे साथ डेट पर आना होगा पोलो कहता है कि माफ़ करना कल मुझे अपनी ग्रैंड के साथ डिनर करना है कल हम लोग मीट स्ट्यू खाने वाले हैं एंड कल मैं इस ब्रेड को लेकर जाऊंगा। तुम्हें अगर डेट पर किसी के साथ जाना है तो तुम दूसरों के साथ जा सकती हो इतना कहते ही पॉल वहाँ से चला जाता है दिखने से लगता है कि इस बेकरी वाली को पॉल में इंटरेस्ट है सो so गाइस इसी के साथ ये चैप्टर होता है यही पर ही खत्म डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वॉचिंग